15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराए जाने पर राष्ट्रीय अपमान को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति आपत्ति जताते हुए एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यालय पर तिरंगे का अपमान किया गया, जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में नकारात्मक संदेश पहुंचा। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अपना भगवा रंग का झंडा लहराया, जो कि राष्ट्र को अपमानित करता है। इस मामले को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र कोतवाली प्रभारी को सौंपा एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की एवं 7 दिन की अवधि की चेतावनी देते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। इस संबंध में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर नारेबाजी करते हुए जानकारी दी। देखिए, ये राष्ट्रवाद का घिनौना रूप भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा है। इससे बड़ा देश का अपमान हो नहीं सकता। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज लहराना, ये तो लाल किले से बहुत बड़ी घटना हो गई और पूरे मीडिया को, पूरी जनता को ये चीज़ देखनी चाहिए। और इन लोगों की भावना, इन लोगों की जो मानसिक दिवालियापन है, वो जनता के सामने उजागर हो गया है। और आप देखते हैं कि ये जन राष्ट्रवाद क्या बिगाड़ा है, कि आम जनता दुखी, आम जनता नाराज, और राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे मामले में बिल्कुल पीछे हटने वाला है। जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, उन्होंने तिरंगे झंडे के ऊपर अपना झंडा फहरा दिया, तिरंगे से ऊपर उसको अपना झंडा मानने लगे, और ये ऐसा कृत्य है जो क्षमा योग्य नहीं है। इनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कि देशद्रोह की कार्रवाई नहीं होगी, राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को लड़ेगा। और अगर केस दायर नहीं हुआ इनके खिलाफ, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो राष्ट्रीय लोकदल घेराव करेगा, या कोतवाली का भी, एसएसपी ऑफिस का भी। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, कल 15 अगस्त के अवसर पर जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का इन लोगों ने अपमान किया और जिन कार्यकर्ताओं ने किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिमाग इतने साथ में आसमान पे हैं कि वे लोग राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्र से खुद को कहीं ज़्यादा ऊपर समझने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि ये पार्टी अब अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। इस पार्टी को अमेरिका, लंदन कहीं जाके बसना चाहिए, वहीं अपना कार्यालय बनाना चाहिए। ये हिंदुस्तान के स्तर का मामला, इन लोगों का मानसिक स्तर रहा ही नहीं। देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल, चाहे इसमें पदाधिकारी है, युवा है, कोई भी है, हर किसी के अंदर एक 30 भी है। इस मथुरा के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कहना ही होना चाहिए। ये कुछ नहीं के साहब माफी मांगे, माफी क्या मांगना होता है? किसी को मर्डर कर दो, वो कहते माफी मांग लिया तो छोड़ देंगे आप। नहीं, इन लोगों के खिलाफ जो जाके जिला अध्यक्ष है, महिला है, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ के जो विनोद अग्रवाल जी हैं महानगर अध्यक्ष, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वृंदावन के अंदर पुलिस के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कराई थी, आज क्या हो गया उनको? आज क्या उनकी बुद्धि? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदीप गोस्वामी है, और वहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं विनोद अग्रवाल, और बहुत से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा कैसे फैर गया। वो गुरुद्वारे का था, वो भी एक धार्मिक था, उस पर तो ये त्रिवड़ी करेगी। अब वो अंजनाओं कश्यप कहाँ चली गई, उनको नहीं दिखाई दे रहा? तब वो टिकैत से पूछ रही थी कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कैसे हो गया। अब इन्होंने 15 अगस्त जैसा पर्व, जैसे जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्मनवमी, होली, दिवाली, ऐसे ही हमारे ये पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व था कल, उस पर ये तिरंगे का अपमान करना, ये कितना उचित है? देखिए, ऐसा है कि जो शहर की भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है ना, इसके अध्यक्ष हैं विनोद अग्रवाल हैं और लोग भी हैं, इन लोगों ने झंडा फहराया है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय ध्वज जो था वो तो नीचे कर दिया और अपनी पार्टी का ध्वज ऊंचा कर दिया, तो ये तो नेशनल राष्ट्रीय अपमान किया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। संसार में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने ऐसा किया है, मोदी जी की पार्टी ने ऐसा किया है, तो इनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए।
रालोद द्वारा भाजपा कार्यालय पर तिरंगे झंडे के ऊपर भाजपा के झंडे लगाने के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निराधार बताया जा रहा है। रालोद के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राजपाल चौधरी ने कहा कि रालोद के लोगों का आरोप निराधार है। भाजपा का झंडा पार्टी कार्यालय के ऊपर लगा हुआ है, तिरंगे झंडे के ऊपर नहीं है। रालोद के लोगों द्वारा गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पुष्पांजलि ऑफिस में बना हुआ है, वहाँ पे हमने पहली मंजिल पे कार्यक्रम रखा हुआ था। आदरणीय महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी और हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं महामंत्री राजू यादव जी और हम बहुत सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। और विपक्षी लोग इस बात को लेकर के जो बात कर रहे हैं अन्य पार्टियों से, वो असलियत क्या है कि जो दूसरी मंजिल के ऊपर एक हमारा कार्यालय के ऊपर झंडा लगा हुआ है भाजपा का, वो फोटो इस तरह से क्लिक हुआ है कि वो ऐसा प्रतीत होता है नहीं वास्तविकता में, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी का ध्वज ऊपर है और राष्ट्रीय ध्वज नीचे है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ हमने झंडा ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम किया हुआ है वो उस मंजिल पर हम खड़े हुए हैं और जो भाजपा का जो फ्लैग लगा हुआ है वो अलग मंजिल पर लगा हुआ है और वो बिल्कुल साफ उस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। दोनों मंजिलें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन कितनी छोटी मानसिकता का विषय है कि आप सोच लीजिए कि जब कोई मुद्दा नहीं होता है विपक्ष पे, तो इतने सीनियर लीडर दूसरे दलों के इस बात को लेकर के और जनता में उछाल रहे हैं, तो उनको शोभा नहीं देता।